अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। यहाँ ज़बरदस्त है, मैं आज आप लोगों को चिकन चीज़ रोल बनाना सिखा रही हूँ और ये मांडा पट्टी में हम तैयार करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ चिकन का कीमा लिया है, 500 ग्राम है। यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने चॉप प्याज लिए, 2 टेबल स्पून हरा धनिया है, लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर कर लिया है और एक अदद मैंने यहाँ चॉप हरी मिर्च भी ली है। पेपरिका 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून भर कर, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को हम एक साथ मिक्स करेंगे मसाले डालकर। यहाँ मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मुझे यहाँ मांडा पट्टी चाहिए होगी और देखिए मैंने इसको तिकोने शेप में कटवा लिया है, ट्राइंगुलर कटवा लिया है। और यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया, इस तरह के मैंने इसके स्लाइसेस कट कर लिए। साथ ही मैं ब्रेड क्रम्स लिया है और अब मैं मैदे की लई बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि हम रोल बनाकर स्टिक भी इसी से करेंगे और डिप भी करके हम क्रम्स लई से ही लगाएंगे और ये आजकल शादियों में बहुत चले हुए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लई तैयार कर लेंगे। ये देखें लई तैयार हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा बैटर लूँगी हाथों पे, इसे इस तरह रोल का शेप दे दूँगी। ये देखें सीख नुमा रोल बना लूँगी। हल्का हल्का ऑयल लगा के भी हम ये काम कर सकते हैं, देखिए हल्का हल्का ऑयल लगा के भी ये काम कर सकते हैं, तो हाथों पे स्टिक नहीं होगा। साथ ही में मैं यहाँ चीज़ डालूँगी इसके अंदर, इसके मैं रोल तैयार कर लूँगी। फिर मैं रोल बनाने के बाद रोल को इस तरीके से लई में डिप करूंगी और इस तरह से हम प्याले के कॉर्नर से एक्स्ट्रा लई को हटा लेंगे। अब मैं यहाँ ब्रेड क्रम्स में डालूंगी और इसकी अच्छे से कोटिंग कर दूंगी। इसी तरह मैं दूसरा भी बनाऊंगी। इस तरीके से दूसरा भी बनाएंगे और उसकी भी हम इसी तरह कोटिंग करेंगे लई में डिप करके। एक और आपको दिखा दूँ, उसके बाद तमाम रोल्स तैयार करने के बाद हम मिलेंगे। एक्सेस जो होगा मैं इस तरीके से प्याले के कॉर्नर से हटाते हुए निकाल लूँगी। मैं यहाँ क्रम्स में कोट कर लूँगी, अच्छे से कोट करना है हमें। इसी तरह तमाम मैं बना लूँगी और फिर मिलते हैं। हाँ, कितने सारे रोल्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। हाफ के जी चिकन और हाफ के जी मोज़रेला चीज़ के अंदर ये मैक्सिमम 24 रोल्स तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसमें से मैं कुछ फ्राई कर लूँगी, बाकी फ्रीज़ कर लूँगी। यहाँ मैंने फ्राई के लिए ऑयल गरम कर लिया है, अब मैं इसमें से थोड़े से रोल आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल नहायत हल्की आंच पे आपने फ्राई करने, तेज़ आंच पे नहीं करने। ये मैं इसे टर्न कर रही हूँ, ये ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं, मैं अब इसे डिश आउट करूँगी। यहाँ ज़बरदस्त से हमारे चिकन चीज़ रोल तैयार है और मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा दूँगी। ये देखें, ये देखें अंदर से चिकन भी कुक हो चुका है और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ट्राई कीजिएगा, कमेंट फीडबैक दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।